हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि मलाई से आप मक्खन कैसे निकालें, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन में, थोड़े बड़े साइज का बर्तन होना चाहिए, उसमें मैंने मलाई को रख दिया है और फिर मैं इस तरह से इसे फेंट रही हूँ। ये जो मैं फेंटने वाला ली हूँ, ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और इसे इस तरह से चलाते रहना है। ठीक है, जब आप चलाते रहोगे इसे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, तो आपको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, इस मक्खन को निकालने में ना तो आपको मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ढेर सारे बर्तन करने पड़ेंगे, और एक ही बर्तन में आसानी से ये आप निकाल लोगे इसे। ठीक है, तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये मक्खन आपका निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने चला दिया है, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद फिर हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ठीक है, सर्दियों के मौसम में तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी हम मलाई जमा करते हैं तो उसे फ्रिज में रखते हैं, मलाई में थोड़ी सी दही डाल दें और दही डाल के फिर उसमें जमा करें। उसके बाद जब भी आपको मक्खन निकालना हो, उससे एक दिन पहले आप उसे बाहर छोड़ दें, और पूरे दिन बाहर छोड़ने के बाद जब आपको निकालना होगी तब उसमें आप क्या करें, फ्रिज में 2 घंटे के लिए आप उसे डाल दें। इससे क्या होगा, आपका जो मलाई है वो ठंडा हो जाएगा, फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और गर्मियों के मौसम में आप फ्रिज का पानी, ठंडा पानी का यूज करें, जिससे कि आसानी से मलाई निकल आए, मक्खन निकल आए। ये देखिए, ये कैसे ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। जैसे ही मैंने एक साइड, इसे एक साइड को ही करना है और इसी तरह से करते जाना है, और ये देखिए कैसे ये निकल रहा है, ऊपर को आ रहा है। ये देखिए, ये हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। निकालने से पहले आप अच्छे से अपने हैंड को हैंड वॉश कर लें, उसके बाद निकालें। तो ये देखिए, देखिए कैसे ऊपर आ गया है, जितने भी पानी है वो अंदर बैठ जाएंगे और जो मक्खन है वो ऊपर को आ जाएंगे। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। जब आप मक्खन निकाल लें, फिर उसे एक नाइट के लिए बाहर ही छोड़ दें, फ्रिज में न डालें, बाहर ही छोड़ दें। उसके बाद उसका घी बनाएं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरे अच्छे से आप चारों किनारे से इसे निकाल लें। अगर आपको लगे कि इसे फेंटने की और जरूरत है तो निकालने के बाद थोड़ी सी और फेंट लें, इससे जो भी कहीं लगा होगा वो सब ऊपर को आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये कैसे पूरा ऊपर आ रहा है, मैं जितनी बार निकालते जा रही हूँ वैसे वैसे आते जा रहा है ऊपर। ये देखिए, जब हम मक्खन निकाल लें पूरा फ्रेंड्स, तो फिर मक्खन में थोड़ी सी पानी डाल करके उसे अच्छे से धो लें। इससे क्या होगा कि जब आप घी बनाएंगे तो उसके नीचे वो मोटी परत नहीं जम पाएगी। ठीक है, तो देखिए इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है, जिससे कि ये मोटी परत, कढ़ाई में जब हम घी बनाने के लिए डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मोटी परत जम गई है। तो धोने से क्या होता है कि मोटी परत आपकी नहीं जमेगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए।